नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। इस समय खेदड़ गांव के अंदर मौजूद है। खेदड़ गांव एक थर्मल प्लांट को लेकर के काफ़ी चर्चाओं में रहा है और इस समय आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफ़ी लोग यहां पर धरने पर बैठे हैं। क्या कुछ है उनकी मांगे, उन सभी मांगों को जानने के लिए यहां के जो कमेटी के जो सदस्य बनाए गए हैं करेंगे कि किस प्रकार की उनकी में है और प्रशासन किस प्रकार से बातें चल रही है। तो वो बेसहारा गौए कभी भुला नहीं पाएंगी। आपके बनाए हुए मान सम्मान की गौशाला, आपके द्वारा दी हुई दान की गौशाला, आज उस गौशाला के ऊपर संकट के बादल हैं बहनों, और उस संकट के बादलों को आप उतार सकती हो। आप ये मत जानियो, आपने किसी सज्जन आदमी ने कहा है, जननी जने तो भगत जने, क्या दाता या सुर और ना तो जननी बांध रहे कहे गवाए नूर। ऐ माता, ऐसे वीरों को जन्म देना जो गांव के काम आए, देश के काम आए और समाज के काम आए। ऐसे वीरों को जन्म देना, जननी माँ आपने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपका सहयोग आज हमें तिल तिल भर की जरूरत है। आज तिल तिल भर की जरूरत है। आप देख लेना, ये लोग मानेंगे नहीं, लेकिन आप मना सकती हो। जिस टाइम यहाँ पर वो हथियार आओगे नहीं, नौजवान साथियों, मातृशक्ति साथियों, संघर्ष तो शुरू हो चुका है 2-3 दिन से, और इस संघर्ष के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हर बिरादरी, हर वर्ग, हर धर्म के लोग गौ माता को जो राखी आ रही थी, सरकार एक तानाशाही फरमान लेकर आई कि ये राखी प्राइवेट बिल्डरों को दी जाएगी। बड़े बड़े बिल्डर है जो इस राखी से गौ माता का जो पेट भर रहा था, गांव के अंदर जो विकास कार्य हो रहे थे, गांव के अंदर गरीब तबके में भी काम हो रहे थे, वो सभी फिलहाल काम बंद हो चुके, क्योंकि जो इनकम वहां से आ रही थी वो इनकम बंद हो चुकी है। तो साथियों, प्रशासन से मेरी भी बात हुई थी फोन पर, रात आया था, भाई साहब जी मामला ये है, स्पष्ट कह दिया मैंने, तो आप भी सुनो साथी माँ, हम स्पष्ट बताना चाहते हैं आपको, टकराव की स्थिति पैदा मत कीजिए, क्योंकि ये काम पूरे गांव खेतड़ का है, ये काम गौ माता का है, आप ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए। मेरा है नायब साहब, रात भी आए थे, आज भी आ रहे हैं, वो भी किसान, बिल्कुल किसानी से जुड़े हुए अधिकारी है। ऐसे चौबरवाला भी किसान जमा देसी किसानी से जुड़े हुए हैं, जिसने जो किसान से और कमेरे वर्ग से मजदूर तक से जो जुड़ा साथी है, अधिकारी कितना भी बड़ा हो, वो दुख तकलीफ को समझता है। मेरी ख्याल में तो इसा लागा अपने मीटिंग किए डील से समाधान तो होगा 100%, क्योंकि जायज मांग है गांव की, और सभी अधिकारियों ने मेरा है जो खेतर काम करे तो नजायज तो बातें को नहीं करता गलिया, बातें खेड़ेगी किसी बख्शीश से सकता है, एरिया में ठंडा काम, सारे अधिकारियों ने मेरा खेतर के अधिकारी की मैं बात कह दो, 36 बिरादरी के भाई बतला के वो फैसला करे, इनके काम पड़ता रहे, अधिकारियों का काम क्या ना, सारे अधिकारियों ने मेरा हवा पूरा अपना एरिया में जितना नरम और भाईचारा जो अपना खेतर गांव में दादा खेड़ेगी आशीर्वाद से जो अपना कायम है, और भाई अपील भी 36 बरादरी के भाइयों से यही है, चाहे कोई भी मामला हो, एक मत भाईचारा सबसे बड़ा भाईचारा है, आगे चीज तो सारी क्यों चलती लाग रहा है, 2 दिन के 4 दिन के सारे मुद्दे हो है, 20 दिन के हो है, सबसे बड़ा भाईचारा रहेगा, सबसे काम भी भाईचारा होगा। उम्मीद है या मेन मुद्दा गौ माता, सबसे पहला मुद्दा जो सबसे प्रायोरिटी पे है वो गौ माता, फिर भी मूलभूत की सुविधाएं है बिजली पानी और गौ माता, अगर ये आपने जंग फतेह कर ली तो इसके बाद जो भी हमारी जो मांग थी गांव गोंडा की, जो उनको भी रखेंगे। अब आपसे इजाजत चाहते हैं और बहुत ही जोश के साथ, रोष के साथ
जय दादा खेड़े की और कुछ नारे लगा दो। जय बाबा शांतिगिरी महाराज की, जय बाबा शोरामगिरी महाराज की, जय नगर खेड़े की, जय सभी ग्रामवासियों की। क्या मामला जी? आज ये धरना दिया गया, किसको लेकर के धरना दिया गया? धरना तो जी अब दिया गया, समस्या सुनो आप। पहले जिस टाइम ये थर्मल आया था ना जी, और जब ये राखी के टैंक बने थे, ये भर गए थे और ये भरे उड़ के ना मंडी तक जान लग गए। फिर मारे जितने भी फूल की खेती थी नहीं, वो सारी फूल की खेती फलाइए सूट के मारी गई थी। फिर मैं इन अधिकारियों से कहा जी हम तो मारे गए, या तो आप तो बिजली के उसमें रह गए, लेकिन हमारी खेती तो चली गई। फिर इन्होंने क्या काम कराया जी, मारी बात तो उस टाइम भी को नहीं सुनी, मंडी के बनी आए जिनके पास है। और फिर इन्होंने इस डैक की दीवार निकाली पत्थर से, उससे कुछ बचाव होया। उसके बावजूद इसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, तो किसानों ने इसका पानी उठाना शुरू कर दिया जी। और हमने इसकी जो राखी थी ये नुका कर दे, भाई राखी उठाओ कोई दिक्कत नहीं, हमें राखी उठाओ भाई, जितनी ज़्यादा राखी उठाओगे ना भाई उतना ही फायदा है। बल्कि राखी उठाने के लिए गौशाला के पदाधिकारियों को कहा करते, कम उठाते हो, ज़्यादा उठाओ और गाड़ी लगाओ। गौशाला के पास जितनी भी कैपेसिटी थी गाड़ी लगाई, बहुत राखी जितनी भी थी उससे मतलब थोड़ी बहुत आमदनी, जैसे कैसे ही कुछ गांव ने योगदान दिया, हमने इस गौशाला का निर्माण कराया। और उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी आमदनी आने लगी, हमने गौशाला के ऊपर ही खर्च कर रहे हैं। एक नया पैसा भी कहीं पर ऐसे बढ़िया ईमानदार गौशाला के पदाधिकारी हैं, मैं जिनका व्याख्यान करूँ नहीं, उतना ही कम है। एक एक नया पैसा गौशाला के काम पर खर्च करते हैं। उसके बावजूद के काम कराया जी, राखी छोरे जामने शुरू कर दिए। और वो अधिकारी कहने लगे, नहीं बोला जी इससे तो आमदनी है बहुत है। भाई बहुत है या कम है, जैसे कैसे है, हमने मतलब गौशाला के अलावा या धर्म काम के अलावा जो कोई काम तो कराया हो, फिर तो हम आपके गुनहगार। हमने वो सारा पैसा गौशाला के ऊपर ही खर्च कराया। इन लोगों को वो बात भी गवारा नहीं आई, निबला जी ऐसा आप क्यों कर रहे हो भाई, जे मतलब मान लिया धर्म का काम ना करें तो हर आदमी पाप पुण्य से डरता है, हर आदमी ये चाहता है भाई अगले जन्म में जाके माँ को माँ कहूँ, सूरी कुकरी के पेट में नहीं जाना चाहता। सर मोटी मोटी बात ये है कि धरना देने की नौबत क्यों आई? धरना देने की नौबत ये आई कि इन्होंने गौशाला के जो भी राखी भरने के औजार थे या मशीन थी, वो सारे इन्होंने गेट को ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद हम संबंधित अधिकारियों से मिले, वो कहने लगे बोला जी इसका तो टेंडर होगा जी, टेंडर तो यहीं खेतड़ में कैसे होगा, इसके अलावा और कहीं टेंडर कुछ को नहीं हो रहा। तो जी हम अधिकारियों ने हमारी बात को विशेष रूप से नहीं सुनी। फिर हम मंत्री जीओं से मिले, संबंधित विभाग के मंत्री जी थे रणजीत चौटाला, उनसे मिलने के लिए हम रानियाँ गए, उन्होंने हमारी बात सुनी। न बोले मैं अधिकारियों से बातचीत करूँगा, अधिकारियों से हमारे सामने फ़ोन भी करे, बोला MD साहब को मैंने फ़ोन कर दिया है और कोई ऐसी बात नहीं है भाई, आपकी जो मशीन है ना वो भराई के लिए रखी हुई रखी जाएंगी। फिर कहने लगा चलो कोई बात को नहीं, मैं आपको MD से मिलाने के लिए आप चंडीगढ़ आ जाओ। हमारे पास गांव के गणमान्य व्यक्ति MD के मिलने के लिए गए, MD से कोई बातचीत नहीं करवाई। कहने का अभिप्राय ये है कि हमने शुरू में कानून हाथ में नहीं लिया, हमने प्रशासन को अवगत करवाया है, सरकार के कर्ता धर्ताओं को अवगत करवाया है, जब हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमने यहाँ धरना रख दिया। और ये धरना स्थल के ऊपर आप भी खड़े हैं और ये आदमियों का समुंदर ठाठे मारता हुआ आपके सामने है। अगर बात का समाधान हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम गौशाला और इस पुण्य काम के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं। धन्यवाद। सतेंद्र जी कितने दिन हो चुके हैं जो आपने धरना लगाया? ऐसे है जी, जिस दिन से थर्मल आया था उसी दिन से गांव का शोषण होने लग रहा है, चाहे प्रदूषण की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, छोटे मोटे कर्मचारियों को दबा के रखने की बात हो, परंतु आज तो इन्होंने बड़ी बेशर्मी की हद पार कर दी। ये सरकार एक तरफ तो गौओं के नाम पे झूठी राजनीति करती है, लेकिन नौबत आज आ चुकी है कि 1000 गायें बेघर होने के लिए मजबूर है, और उसी के लिए हम उनके समर्थन में धरने के पे बैठे। आज सुबह से ही धरना स्टार्ट किया, कल से स्टार्ट किया था हमने। और मुख्य मांग आपकी राखी की है या फिर और भी कोई? मुख्य मांग है हमारी गौशाला को सुचारू रूप से चलाने की है, इसके साथ ही बिजली की और पानी की समस्या भी। क्या कोई संबंधित अधिकारी आपके पास यहाँ धरने पे पहुँचा? अभी प्रशासन की तरफ से तहसीलदार जी आए थे, और देखते हैं क्या बात रहती है, अगर ये मांगे मानी जाती है तो ठीक, वरना अनिश्चित काल के लिए धरना ऐसे ही चलता रहेगा। क्या अभी भी ये धरना दिन और रात चल रहा है? बिल्कुल दिन और रात तक चल रहा है। जी रात में भी यहाँ सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण रहते हैं, और आज तो हमारे को पूरे गाँव गुआंड से भी समर्थन मिलने लग रहा है। अभी सरसोत से, बाड़क से,
गौशाला कमेटियों के साथ साथ किसान आंदोलन से जुड़े हुए साथी हमारा समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कोई बड़ा कदम? पहले भी बताया था, हम बिल्कुल अनुशासन में रहते हुए इस धरने को जब तक मांगे नहीं मानते हैं हम अडिग रहेंगे और मांगे मनवाकर ही मानेंगे। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि हमारी मुख्य जो मांगे हैं वो इस प्रकार से हैं, वो सभी मांगे आपने देखी और सुनी भी। क्या इनकी मांगे जो है वो मंजूर होनी चाहिए वो आप पर निर्भर करती है। आप कमेंट के माध्यम से सभी शब्दों का इस्तेमाल करके ज़रूर बताएं। और इनकी जो मांगे हैं हालांकि वो नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, क्योंकि गौ को एक माता का जो दर्जा दिया गया है उसी गौशाला के लिए यहाँ पर जो राखी की जो मांगे मुख्य मांग जो है राखी की, उसका जो पैसा जो आता था वो गौशाला में दान दिया जाता था, गौशाला में उसके लिए कार्य किए जाते थे, गाँव के विकास कार्य किए जाते थे। और तमाम जो भी इनकी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के आपकी क्या राय है वो भी जानना चाहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और आपके पास भी अगर आप भी किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपकी आवाज़ बन करके प्रशासन तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।